प्रभु, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की याद जब आती है ना प्रभु, मन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम पीछे मुड़कर के देखते हैं, महाराज ने जो कुछ हमको दिया है उसकी तुलना संसार में किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती, और वास्तव में वही हमारा आज का सब्जेक्ट भी है कि हमारा वास्तविक सुख है क्या। प्रभु हम लोग सब चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले प्रभु जी आपका सब राजकोट जितने हमारे भक्त लोग हैं और जो भी भक्त लोग इस माध्यम से जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने अपना समय निकाला है और श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज के निर्देशन में जो भी हमसे बन पड़ेगा, उनकी जैसी आज्ञा होगी, आज के डिस्कोर्स में, आज के कथा में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे प्रभु जी, माता जी। लेकिन सबसे पहले महाराज ने हमको हमेशा सिखाया है, शास्त्रों ने, साधु ने, गुरु ने हमको सिखाया है कि भगवान के विभिन्न रूप हैं और सारे रूप अभिन्न हैं। कैसे रूप हैं? विभिन्न, लेकिन कैसे हैं वो सब अभिन्न हैं। तो विभिन्न अभिन्न का बड़ा एक सुंदर जोड़ा है। विभिन्न का मतलब दिखते अलग अलग हैं लेकिन सब एक ही हैं, तो अभिन्न हैं। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, जो हमको जैसी भी प्रेरणा होगी महाराज की, उसके अनुसार हम लोग चर्चा करेंगे अपने सब्जेक्ट को लेते हुए। लेकिन उस सब्जेक्ट में जाने से पहले हम लोग जो हमारी परंपरा है, क्योंकि परंपरा अति आवश्यक है, तो हम लोग जय राधा माधव करेंगे प्रभु, और जय राधा माधव के साथ में मंगलाचरण करके आज के प्रवचन का हम लोग आरंभ करेंगे। प्रभु जी हम लोग शुरू करें। जय राधा माधवा जया कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवराधारी जया गिरिवराधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जया कुंज बिहारी जय राधा माधवा जया कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधवा जया कुंज बिहारी जय राधा माधवा जया कुंज बिहारी।
श्री राधा माधव जी की जय, श्री राधिका रमन जी की जय, श्री राधिका रमन जी की जय, श्री राधा नील माधव जी की जय, रुक्मणि द्वारकाधीश जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्याय गौ प्रेमानंदे हरि हरि ओम। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीपदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां च सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भगवती नष्टति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत कि आज के इस कार्यक्रम में। देखिए प्रभु जी माता जी, जीवन में अनेक मोड़ आते हैं और जो जीवन में हमारे मोड़ आते हैं उनकी तुलना हम लोग कई बार करते हैं कि वो मोड़ हमारे जीवन में अच्छा था, वो खराब था। लेकिन जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं सब भगवत कृपा से ही आते हैं। अभी हमारे जीवन में मोड़ आया है करुणा का, और करुणा की करुणा जो हमारे ऊपर हो रही है ये इसी बात का सबूत है कि आज घर घर में भक्त लोग किसी ना किसी रूप में घर के अंदर बंद के बैठे हुए भी भगवत धम से भगवत धाम से जुड़े हुए हैं। भगवत धर्म और भगवत धाम, भगवत धर्म जो है और भगवत धाम जो है, दोनों चीजें एक तरीके से हम समझना चाहें दोनों अलग नहीं है प्रभु जी। जैसे मैंने कहा कि श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता ये हमारे जितने भी पुराण हैं ग्रंथ हैं सब भगवान का ही एक भिन्न रूप है, लेकिन विभिन्न होने के साथ साथ उनसे अभिन्न है।
भिन्न भी है और अभिन्न भी है। चैतन्य महाप्रभु का वेदाभेद फिलोसफी जो है वो हमेशा हमारे काम आती है। तो इसलिए आज का जो सब्जेक्ट हम लोगों ने लिया है और कृष्णा ने जैसी हमको प्रेरणा देंगे, महाराज प्रेरणा में आगे चलेंगे कि जीवन का वास्तविक सुख क्या है। संसार में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता विदाउट एक्सेप्शन कि वो सुख के लिए लालायित नहीं है। हर व्यक्ति सुख चाहता है लेकिन सुख वास्तव में जीवन में आता नहीं। सुख और दुख का दोनों का जोड़ा है और कहते हैं कि सुख आता है तो साथ में दुख भी पीछे खड़ा रहता है और जब दुख आता है तो साथ में सुख भी पीछे खड़ा रहता है। लेकिन इन सुख दुख को छोड़ करके वास्तविक सुख कौन सा है? हम सब लोग समझते हैं कि सुख की प्राप्ति किस प्रकार से की जा सकती है। सुख की प्राप्ति जो संसारिक भाषा में, संसारिक परिवेश में, संसारिक आवेश में जो कहा जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करें तो हम देखते हैं कि उस सुख को हम सुख कहते हैं जो हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं और हमारा 11वां मन, इन सबसे मिलाकर के जो हमारे इंद्रिय सब्जेक्ट हैं, इंद्रिय विषय हैं, वो 16 सब चीजें हमारी हो जाती हैं। इनके द्वारा जो हम लोग महसूस करते हैं, जो हम लोग फील करते हैं, उसको ही हम लोग सुख या दुख मान लेते हैं। वास्तव में अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें, इस लेवल पर जाकर के देखें, तो जैसा हमारे पुराणों में वर्णन हुआ है, अनेक अनेक जगह पर वर्णन हुआ है, बलि महाराज की जब कथा आती है, बलि महाराज की चर्चा हम लोग करेंगे, आज हमारा मुख्य विषय है, जब वो अमरावती के ऊपर अपनी सेना लेकर के जाते हैं, उस समय हम लोग क्या देखते हैं प्रभु जी माता जी? हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग का वर्णन किया गया है और इतना विशद वर्णन स्वर्ग का किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उसको सुनता है, उसको देखता है, उसको पढ़ता है, उसके बारे में महसूस करता है तो सोचता है कि हाँ भाई हमको स्वर्ग जाना चाहिए। एक श्लोक में आता है अम्बुद, अम्बुद कहते हैं करोड़ों करोड़ों विमान, विमान अम्बुद, करोड़ों विमान वहां पर है। बाकी सब छोड़ दीजिए, जो भी उद्यान का वर्णन किया है, उनके दरवाजों का वर्णन किया है, कहाँ कहाँ स्फटिक मणि है, कहाँ कहाँ मरकत मणि, सब वर्णन किया गया है। लेकिन आज संसार में किसी कंपनी के पास, किसी देश के पास अगर समझिए 100, 200, 300, 400, 500 विमान हो जाते हैं, एरोप्लेन हो जाते हैं, तो उसको बहुत बड़ा माना जाता है। तो स्वर्ग वो जगह है कि जहां पर 1 करोड़ नहीं, करोड़ों विमान है। और स्वर्ग का अधिपति कौन है? इंद्र, अमरावती के राजा इंद्र है। तो हम लोग अगर आज की कथा प्रारंभ करें तो इंद्र के जीवन पर हमको देखना चाहिए प्रभु जी माता जी। इंद्र के जीवन से हमको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं, भागवत में देखते हैं कि जगह जगह पर कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है तो इंद्र का सिंहासन डोल जाता है। जब इंद्र का सिंहासन डोल जाता है तो इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता होती है और सिंहासन की चिंता होने के साथ साथ इंद्र जो है, जो भी प्रकार के प्रपंच हो सकते हैं, जो भी प्रकार के कार्य कर सकते हैं, वो सब अपने सिंहासन को बचाने के लिए करते हैं। तो आप समझिए कि ऐसी जगह जाकर के कि जहां पर करोड़ों विमान है और संसार, भौतिक संसार में उससे ज्यादा जगह पर कोई भौतिक सुख नहीं है। वर्णन आता है कि वहां पर कि वहां की जो युवतियां हैं हमेशा 16 साल की रहती, वहां पर किसी भी वृक्ष के नीचे जाइए, कल्प वृक्ष हैं सारे, जो आपकी इच्छा हुआ आपको प्राप्त हो जाता है। वहां पर बुढ़ापा नहीं है, वहां पर कोई कष्ट नहीं है। इन सबके होते हुए भी
जो अमरावती का अधिपति इंद्र है इतने बार अनेक बार कष्ट में पड़ते हैं, तो क्या ये वास्तविक सुख है? जो सुख हमको चिंता देता है उसको हम लोग वास्तविक सुख नहीं कह सकते। हम लोग देखते हैं, इंद्र की अमरावती की बात छोड़ दीजिए, हम अपने संसार की बात करें। जब अपने संसार की बात करते हैं तो हमारे यहाँ बिलियनर्स, बहुत सारे बड़े बड़े महान, जिनको भौतिक संसार में कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन सब के सब किसी ना किसी चिंता में घिरे रहते हैं। तो भौतिक संसार, जैसा भगवद गीता में कृष्णा ने कहा है कि दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार कैसा है? दुखों का घर है। और कैसा है? अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है, दुखों का घर है, टेम्परेरी है। इसीलिए इसको कहा, क्या कहा गया है? संसार। संसार में देखिए असार शब्द आता है, सार का मतलब होता है जो जो अच्छी अच्छी चीजें जिसका निचोड़ निकल जाता है, जूस जो होता है वो सार होता है। असार का मतलब ये है कि जो जिसमें कुछ तत्व नहीं है, जिसमें कुछ जूस नहीं है, वो ये संसार है। लेकिन इस संसार में सब लोग उस सुख के पीछे पागल रहते हैं। नारद मुनि दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी से जब पूछते हैं कि हे पिता, मैं देखता हूं कि सारी सृष्टि के रचयिता आप हैं, और लेकिन फिर भी मुझे महसूस होता है आप किसी ना किसी और की आप तपस्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आप उनका ध्यान लगाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं, करने वाले तो केवल भगवान है, कृष्णा है। उसी सेकंड इसके कैंटो में परिचित महाराज के प्रश्न के उत्तर में, परिचित महाराज का क्या प्रश्न था? पहले स्कंद के अंतिम अध्याय में 19वें अध्याय में प्रश्न पूछते हैं, जो हम सब का प्रश्न होना चाहिए, कि जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में है कि कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए? संसार में कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि मैं मरणासन अवस्था में नहीं हूं। एटलीस्ट परिचित महाराज को पता था 7 दिन का समय है, हमें 7 सेकंड का समय का पता नहीं। तो वही प्रश्न हमारे पास आकर के खड़ा हो जाता है कि क्या हम लोग सब कुछ देखते हुए भी उसको अनदेखा करते हैं? संसार की अस्वतता देखते हुए, संसार की असारता देखते हुए, संसार की जो दुखालय की स्थिति है उसको देखते हुए संसार में हम लोग लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे उस सुख को पाना चाहते हैं, जो कि एक तरीके से कंप्लीटली गलत रास्ता है। उस सुख की प्राप्ति इससे नहीं हो सकती। तो इसीलिए इंद्र के प्रसंग में जो ये बात आती है कि इंद्र स्वर्ग के अधिपति हैं, और जब कोई पद प्राप्त होता है, बड़े बड़े विरले, कोई एक मनुष्याणाम से कचित सिद्ध ये ताम सिद्धाम कृष्ण तथा, कि हजारों लाखों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मनुष्य बनने का प्रयत्न करता है, हजारों लाखों जीवों में से, और उनमें से कोई एक ऐसा होता है जो तत्व से भगवान को जानने का प्रयत्न करता है, सिद्ध बनने का प्रयत्न करता है। लेकिन 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में, इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद में इंद्र की स्थिति क्या है? इंद्र की स्थिति, और आज हम देखेंगे, चर्चा करेंगे इंद्र की स्थिति और बलि महाराज की स्थिति, दोनों की अलग अलग स्थिति कैसी, वास्तविक सुख किसके पास है। देखिए, देवासुर संग्राम में अमृत पीने के बाद भी, उसके पहले जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन होने के बाद में अमृत निकला और भगवान मोहिनी की कृपा से सारे देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया। जब अमृत उनको प्राप्त हो गया तो अमृत प्राप्त होने के बाद में सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए, और इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी प्रसन्नता के बाद उनका जो कृतज्ञता थी, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो भगवान का नहीं है। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना,
कि अर्जुन जितने भी जीव हैं मेरे अंश हैं। जब सारे जीव भगवान के अंश हैं तो असुर भी भगवान के अंश हैं। आप लोगों को अमृत प्राप्त हो गया, अमृत प्राप्त होने के बाद में लेकिन देवासुर संग्राम छिड़ गया, और उस संग्राम के अंदर बड़ा भागवत में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है किस प्रकार से वो संग्राम हुआ। जब वो संग्राम छिड़ गया तो उसके साथ में इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा बलि महाराज को मारने का प्रयास किया। उस समय बलि महाराज बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं, हम लोग ये तीन श्लोक देखेंगे आज, कि जिसमें बलि महाराज ने जो इंद्र की स्थिति, इंद्र क्या कहते हैं बलि महाराज से, इंद्र कहते हैं कि तुम ना समझो, तुम्हें माया, तुमको माया, तुमने बहुत बड़ी माया रची है, और मैं तुम लोगों को सबको जो है आज बंधु बांधुओं के साथ सबको तुम्हारा सर धड़ से अलग करके अपने वज्र से सबका संहार कर दूंगा। तो उस समय बलि महाराज कहते हैं, बलिरुवाच संग्रामे वर्तमानानां कालचोदित कर्मणां कीर्ति जयो अजयो मृत्यु सर्वेषां शृणु क्रमात् तदिदं कालरसनं जनाः पश्यन्ति सूर्यः नारशन्ति नाशोच्यन्ति तत्र यूयं पंडितः नावयं मन्यमानानां आत्मानं तत्र साधनं गिरोवा साधु सोच्यानां गणीमो मर्म ताड़नः। बड़ा सुंदर बलि महाराज ने इंद्र को कहा है यहाँ पर। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, और ये हमारे अनेक जगह हमको देखने को मिलता है कि गागर में सागर, जो लोग हिंदी भाषी हैं वो जानते होंगे गागर में सागर का क्या मतलब है, कि पूरा समुद्र एक घड़े के अंदर समा सकता है। हमारे पास चतुश्लोकी भगवत गीता है, चतुश्लोकी श्रीमद भागवतम है, और चतुर्श्लोकी भगवत गीता चतुर्श्लोकी श्रीमद भागवतम के अंदर पूरी भगवत गीता या पूरी श्रीमद भागवतम समाई हुई है। तो ये गागर में सागर के समान है। तो एक एक महाराज हमने हमको हमेशा सिखाया कि एक एक श्लोक और एक एक श्लोक की एक एक लाइन उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि समस्त भागवतम और समस्त भगवत गीता। तो इसमें हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इस श्लोक में बलि महाराज कहते हैं कि इंद्र जो काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं। देखिए, इंद्र अमृत पीने के बाद में, और अमृत का मतलब है कि अमर हो गए हैं, लेकिन वास्तव में अमर नहीं है, अमृत पीने के बाद में इतना उनके अंदर बल है और साथ में उनके पास वज्र है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि इन सबको मारना तो कोई अधिक कठिन कार्य नहीं है, और इनका तो सबका संहार मैं कर दूंगा। जहां हमारे जीवन में मैं सब दाता है, सुख हमसे कोसों दूर चला जाता है। ये वास्तविकता ये है प्रभु जी माता जी, क्योंकि मैं हमको हमेशा दुख के पास ले जाता है, सुख से बहुत दूर ले जाता है। मैं का मतलब ये है कि जब मैं आ गया तो हमने जिनके हम हैं उनको छोड़ दिया। हम किनके हैं? हम भगवान के हैं। और मैं जब अपने मैं हमारे अंदर घुस गया तो मैंने भगवान को छोड़ दिया, और जिस भगवान को छोड़ दिया तो सुख से मेरा नाता टूट गया। इसलिए बलि महाराज कहते हैं कि जो काल शक्ति की प्रेरणा के अनुसार अथवा मृत्यु मिलती ही है। अर्जुन बातें हैं, मोह हो जाता है, पूरी भगवत गीता हमारे पास आ जाती है। उस मोह के देखी द्वारा कि भगवान यही कहते हैं, सिद्धि असमोभूतवा, कि सिद्धि हो असिद्धि हो, जय हो पराजय हो, लाभा लाभो जया जयो, लाभ हो अलाभ हो, जय हो पराजय हो, इसकी चिंता तुम मत करो। और बलि महाराज वही शब्द यहाँ पर कह रहे हैं कि जीत हो आर हार हो, यश हो या अपयश हो, मृत्यु तो मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय के हर्ष से फूल फूटते हैं,
ना अपकीर्ति से हार और मृत्यु से सुख के वशीभूत होते हैं। तो जो ज्ञानी जन होते हैं उनके जीवन में जो सुख का मंत्र है, ये मंत्र यहाँ पर बलि महाराज ने दिया है कि हमारे जीवन में, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारे पड़ाव आते हैं। किसी पड़ाव पे हमारा सामना सुख से होता है, किसी पड़ाव पे हमारा सामना दुख से होता है, किसी पड़ाव पे हमको यश मिलता है, किसी पे अपयश मिलता है, किसी पे हार मिलती है, किसी पे जीत मिलती है। लेकिन इन दोनों में जो समभाव से रहता है तो उसको वास्तविक सुख मिलता है। क्योंकि वास्तविक सुख वही है कि जो संतुष्टि के साथ मिलता है। इस कथा प्रसंग में जब मैं जैसे आगे बढ़ेंगे, वामन भगवान का प्रसंग आएगा, उससे मैं विशेष रूप से देखेंगे कि वास्तविक सुख की परिभाषा है क्या। तो बलि महाराज ने कहा कि इंद्र, आप लोग जय पराजय को कारण कर्ता मानते हो। किसको मानते हो? अपने को जय पराजय का कर्ता धर्ता मानते हो। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ाता कर्ता मिति मन्यते। तो ये श्लोक देवताओं के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है इंद्र के ऊपर कि भाई जय पराजय की कर्ता खुद मानते हैं। अन्यथा जब हमके ऊपर दुख आता है, जब भी इंद्र वगैरह सारे देवता कष्ट में आते हैं, दौड़ करके कहाँ जाते हैं? सीधे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी लेकर के छीरसा करके भगवान के पास और सॉल्यूशन लेकर के आते हैं, सरेंडर करते हैं। लेकिन बाद में कुंजर सोचवत, हाथी के स्नान का जैसा, बाद में आने के बाद में जो सुख है, जो उनको पूरा विशाल इंद्र का जो अमरावती का राज्य प्राप्त हुआ है, उसके भोग में लग जाते हैं वो लोग। यहां तक स्थिति आती है कि जो इंद्र की जो परिस्थिति हुई, क्यों हुई, देखिए हम लोग कारण देखते हैं कि जब इंद्र जा रहे हैं अपने ऐरावत पर चढ़ करके, बड़े मद में भरे हुए हैं, और दुर्वासा मुनि सामने से आते हैं, तो दुर्वासा मुनि क्या कहते हैं उनको? अपनी प्रसादी माला जो भगवान से उनको प्राप्त हुई है, वो प्रसादी माला इंद्र को देते हैं। इंद्र कहते हैं, सोचते हैं, ये माला मैं अपने गले में धारण करूं? नहीं नहीं, मैं अपने गले में धारण नहीं करूंगा। उसको हाथी के ऊपर फेंक दे देते हैं, उनकी सूंड पे डालते हैं ऐरावत की, और ऐरावत उसको पैरों से कुचल देते हैं। और यही मद है जो हमको लेकर के डूबता है। देखिए, ये सारे जितने भी पात्र हैं हमारे भागवतम में, पुराणों के अंदर, भगवत गीता में, रामायण में, महाभारत में, जितने भी पात्र हैं हमको शिक्षा देने के लिए, हमारे पास कितनी भी धन संपत्ति संसारिक सुख आ जाए, अगर हमको वास्तविक सुख लेना है तो उसके लिए हमको बिल्कुल भी उसके ऊपर घमंड नहीं करना है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रभु जी माता जी, आप देखिए क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। शिला प्रभुपाद केवल गुरु की आज्ञा मानने के लिए, गुरु का आदेश, क्या आदेश? पाश्चात्य देशों में जाकर के भगवान चैतन्य का जो संदेश है उसका प्रचार और प्रसार करो अंग्रेजी भाषा में। और पूरा जीवन उसके लिए शिला प्रभुपाद ने लगा दिया। 40 रुपए लेकर के तीन ट्रंक जो उन्होंने पहले तीन कैंटो प्रकाशित किए थे उनका ट्रंक भर करके, और शिला प्रभुपाद अमरीका गए। वहां जाने के बाद में अगर हम देखें तो किस रूप में जो जर्नी उनकी है समुद्र के जलदूत के द्वारा, उसमें देखिए सांसारिक रूप से देखें तो कष्ट से भरा हुआ है, लेकिन कोई कष्ट उनको नहीं। वहां जाकर के पूरे विश्व को उन्होंने इतना बड़ा एक सुख का मंत्र दे दिया। सुख का मंत्र क्या दे दिया? कि भगवान का नाम सबको दे दिया। ऐसे ऐसे जगह जाकर के एक संत हमारे यहाँ आए थे राधारण मंदिर से, तो एक बार उन्होंने कथा बताई कि साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका में जो लोग वहां जानते हैं उसके बारे में, बड़े बड़े लंबे हाईवेज हैं और पूरा जंगल जंगल बीच में पड़ता है। तो एक जगह वो एक सिटी से दूसरी जगह हाईवे पर जा रहे थे, तो रास्ते में जाते हुए एक जगह उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी नेचुरल कॉल की वजह से,
जब गाड़ी रोकी तो एकदम सुनसान, देखिए जब घना जंगल होता है तो जरा सी पत्ता भी खड़कता है तो आवाज आती है। तो ध्यान लगा करके जैसे उन्होंने देखा उतरे तो उनके कान में महामंत्र पड़ा, और जहां महामंत्र पड़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे जगह इस जंगल के अंदर कौन महामंत्र कर रहा है। तो उन्होंने कहा अब आगे तो जाना बाद में देखेंगे, पहले हम लोग जो है इस जंगल के अंदर जाते हैं। उस जंगल में चलते 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 महामंत्र की जो आवाज की दिशा थी वहां चलते आगे जाकर के देखते हैं कि घने खेतों के अंदर एक छोटी झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अंदर एक निगरू बैठा है, धोती पहनी हुई है, गले में कंठी माला है, माथे पर तिलक है, हाथ में झोली माला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बड़ा मगन होकर के जप कर रहा है। ये शिला प्रभुपाद कृपा, ये सुख है जो उन्होंने हमको संसार में सब किया है, यही वास्तविक सुख है। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने संसार में किस किस का उद्धार नहीं किया, जगाई मधाई से लेकर के रामचंद्र खान, हर किसी का महाप्रभु ने उद्धार किया। तो क्या दिया उन्होंने, प्रेम, भगवत प्रेम, और भगवत प्रेम के लिए भगवत नाम दिया। तो भगवत वास्तविक सुख किस में है, भगवत प्रेम में और भगवत नाम में। अगर हम सोचते हैं कि हमको सुख की प्राप्ति होगी किसके द्वारा, सुख की प्राप्ति होगी धन के द्वारा, संपत्ति कंचन और कामनी के द्वारा, तो वास्तव में वो सुख है नहीं। क्योंकि जो लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, भगवान ने बड़ा सुंदर भगवत गीता में बताया है 9वें अध्याय के 22वें और 23वें श्लोक में, शायद 21वें 22वें में, सोम पाह पुत पापा दृष्टवा श्रुति प्रातयन्ते ते पुण्य मासाद सुरेन्द्र लोकम अस्नन्ति दिव्यान्ति विदेव भोकान इते गतम गतम कामा काम लभन्ते। सोम पाह पुत पापा यज्ञवा सुरगति प्रार्थयन्ते ते पुण्य मासाद सुरेन्द्र लोकम अस्नन्ति दिव्यान्ति विदेव भोकान। कि लोग क्या करते हैं कि तीनों वेदों का पालन करके स्वर्ग में जाने के लिए प्रार्थना करते हैं और बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। क्यों करते हैं, सुरेंद्र लोकम, सुरेंद्र इंद्र के लोक में जाना है, वहां के जो सुख है उनको भोगना है। छिने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद में जब वो पुण्य इकट्ठे किए हैं वो छीण हो जाते हैं। छिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति एवं त्रिधर्म अनुपन्ना कामा क्रम गामा लगनते, तो वो नीचे गिर जाते हैं। हमारी जेब में कुछ धन संपत्ति है तो हम लोग प्रेम में भी जा सकते हैं, और नहीं है तो हो सकता है हमको थर्ड क्लास के रेलवे कंपार्टमेंट भी जाना पड़े। तो उनके पुण्य जब समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उनको वापिस आना, गता गतम कामा कामा लभन्ते, तो वापिस मृत्यु संसार में उनको आना पड़ता है। तो वास्तव में ये जितना भी सुख है ये कोई सुख है नहीं प्रभु जी माता जी। इस सुख का, इसको संसार में हम लोग सुख कहते हैं, उस सुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है वास्तव में। तो इसलिए बलि महाराज यहां पर इंद्र से कहते हैं कि तुमने अपने अमृत पीने के बाद और इतना ज्यादा तुमने अपने मन में अंदा विचार कर लिया है कि अब तुमको कोई मार नहीं सकता, अब तुमको कोई पराजय नहीं कर सकता, तो इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। लेकिन जय पराजय, यश अपयश, लाभी लाभ हानि, सब कुछ किसके अंतर्गत है, काल शक्ति के अंदर है। काल शक्ति किसके अंतर्गत है, भगवान के अंतर्गत काल शक्ति है। तो इसलिए कोई कारण नहीं है कि हम इसके लिए दुखी हो। तो इंद्र दुखी हो सकते हैं, लेकिन बलि महाराज क्या कहते हैं 8-9वें श्लोक में, ना वयम मन माना नाम आत्मानम तत्र साधनम गिरो वा साधु सोच्या नाम, सोच्या नाम, साधु लोग कभी भी इस बात के लिए सोच नहीं करते हैं। साधु लोग कभी भी इस बात के लिए सोच नहीं करते हैं कि साधु लोग जानते हैं कि जब भी जीवन में मोड़ आते हैं, कुछ भी आता है तो विधि के हाथ में है, विधि का विधान है, उसको उसी प्रकार से ग्रहण करते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्त्र कौनते शीतोर सुख दुखदा, कि अर्जुन जो ये सुख और दुख है इनको
जो परिवर्तन होते ऋतु के उसके अनुसार उनका आना या जाना समझो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसलिए बलि महाराज ने ये कहा है। और जब बलि महाराज कहते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बलि महाराज का और इंद्र का बड़ा भयंकर युद्ध होता है, और युद्ध के अंदर में अंत में बलि महाराज को जो है इंद्र उनका विमान जो है उससे नीचे गिरा देते हैं और चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। और मचने के बाद में उनके जो सेनापति नमुची और बाकी सब आते हैं, उन सबको भी इंद्र जो है नमुची को भी मार देते हैं। नमुची को देखिए कैसे कैसे विधि के विधान है। इंद्र का जो वज्र है जब नमुची के ऊपर इंद्र वज्र चलाते हैं तो नमुची की जो गर्दन है, गर्दन की त्वचा को स्पर्श करके उसके ऊपर एक खरोच तक इंद्र का वज्र नहीं डाल पाता। और वो वज्र जिसके लिए इंद्र कहते हैं कि मैंने इस वज्र से उन पर्वतों के जो पर्वत उड़ते थे उनके पंख काट दिए, इस वज्र से मैंने वत्रासुर का वध किया, इस वज्र से मैंने कितने लोगों का संहार किया, असुरों का संहार किया, और आज ये वज्र मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इसको त्याग दूंगा। बड़ी सुंदर शिक्षा यहां पर प्रभु जी माता जी हमको देती है। हमारे जीवन में बहुत सारे हमारे साथ में बहुत लोग आते हैं और परिस्थिति ऐसी आती है, कभी कोई हमारे काम आता है, कभी कोई हमारे काम नहीं आता है, लेकिन जिसने हमारे को इतना सारा मेरा साथ दिया है, हमेशा हमारा साथ दिया है, जब समय आ जाए उसको हम लोग छोड़ दें तो ये बुद्धिमानी नहीं। तो इंद्र कहते हैं कि मैं इस वज्र को त्याग दूं। प्रभु जी माता जी भगवान, जैसे कुंती माता कहती हैं कि भगवान किसके अकिंचन गोचरा, किसके हैं भगवान अकिंचन के, क्यों, जो अकिंचन है जिसके पास भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो उसको अकिंचन बना देते हैं। जो अकिंचन है उसका एक केवल प्राणाधार क्या है, केवल कृष्णा, और जब कृष्णा उसके प्राणाधार है तो उसका आधार और कुछ भी नहीं है, तो उसके पास जो वास्तविक सुख है वो वास्तविक उसके पास है जो अकिंचन है, क्योंकि वो भगवान को अपना प्राणाधार मान करके चलता है। जिसके प्राणाधार भगवान है उसको कोई चिंता नहीं रहती। अर्जुन ने हम लोग देखते हैं महाभारत के युद्ध में किसको समर्पण कर दिया, भगवान को पूर्ण समर्पण कर दिया। जब भगवान को पूर्ण समर्पण कर दिया अर्जुन ने, तो एक समय की बात है, बड़ी सुंदर कथा है कि युद्ध विश्राम हुआ, शंख बज गए, सूर्य अस्त हो गए और सब लोग जो है अर्जुन काफी थक गए, तो अर्जुन जाके अपने शिविर में सो गए। और सोने के बाद में भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज ने ढूंढा भी भगवान कि कृष्णा कहाँ है, उनको जरा विचार विमर्श करते हैं, उनको बुला करके लाइए। अब ढूंढने के लिए गए, पता चला कि भगवान तो अर्जुन के शिविर में गए हैं, तो पहले नकुल को भेजा, काफी देर हो गई, नकुल वापस नहीं आए, फिर सहदेव को भेजा, सहदेव भी वापस नहीं आए, उसके बाद भीम को भेजा, भीम भी नहीं आए, फिर द्रौपदी को भेजा, द्रौपदी वापस नहीं आए। भीम युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया आज कि जो अर्जुन के शिविर में जाता है चुंबक की भांति वहां जाकर के बैठ जाता, भारी नहीं आ रहा है। युधिष्ठिर महाराज स्वयं जाते हैं और स्वयं शिविर के जाकर अंदर देखते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज क्या देखते हैं कि भगवान अर्जुन सोए हुए हैं, बड़ी निश्चिंत मुद्रा में सोए हुए हैं, और भगवान वहां पर बैठ करके अर्जुन के पैरों का मसाज उनको दबा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज उनके चरणों में गिरने लगे कि हे प्रभु, आप अर्जुन को क्यों इतना पाप लगा रहे। भगवान ने कहा चुप, और इशारा किया, आवाज नहीं बोली उन्होंने, बिल्कुल आवाज नहीं करना, चुपचाप बैठ जाओ। भगवान ने इसी प्रकार से जो अंदर आया उसको वहां बिठा दिया। तो युधिष्ठिर महाराज इशारे से पूछते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज को पास में बुलाया, और पास में बुलाने के बाद युधिष्ठिर महाराज से कहा कान लगा करके सुनो। और युधिष्ठिर महाराज जब कान लगा करके सुनते हैं, अर्जुन के एक एक रोम से कृष्ण 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 भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है, एक एक रोम से अर्जुन के हर श्वास से भगवान का नाम निकल रहा है।
वो निश्चिंत हो सकता है जिसने भगवान को अपना समर्पण पूर्ण कर दिया। वास्तविक सुख उसको मिल सकता है जिसने भगवान को अपना पूर्ण समर्पण कर दिया। और जब उसने भगवान को सौंप दिया, एक भजन आता है, अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हमने अपने जीवन का सब भार आपके हाथों में सौंप दिया है। जब उनको सौंप दिया फिर चिंता किस बात की, फिर हमें दुख का कोई कारण ही नहीं है प्रभु जी माता। तो हम लोग क्या देखते हैं इन सारे प्रसंग में कि बलि महाराज और इंद्र का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो पग पग हमको देखने को मिलता है, हर स्टेप में हमको देखने को मिलता है कि इंद्र तो हमेशा व्याकुल रहते हैं लेकिन बलि महाराज असुर होते हुए, लेकिन जैसे भागवतम में आया है वो जो भक्त होता है उसके अंदर देवताओं के समस्त गुण आ जाते हैं, तो बलि महाराज में सारे गुण विद्यमान है। इसीलिए बलि महाराज सोच पाते हैं कि जब काल के अधीन सब संसार है तो सारी जय हो पराजय हो, दुख हो सुख हो, हाप लाभ हो हानि हो, सब कुछ उसके अधीन है, इसलिए हमें चिंता करने की बात नहीं है। बड़े आराम से बलि महाराज जो है समर्पण कर देते हैं भगवान को। और इसी प्रकार हम देखते हैं वत्रासुर का जब प्रसंग आज लेंगे नहीं क्योंकि उसका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रेफरेंस आ गया तो वत्रासुर के प्रसंग में हम लोग क्या देखते हैं, इंद्र का वत्रासुर का जब युद्ध होता है, वत्रासुर भी वही कहता है कि ये जो तुम कह रहे हो कि जिस प्रकार से गाय जब शाम को वापिस आती है चरागाह से, उस समय जो बछड़े होते हैं ढूंढ करके अपनी माँ के पास पहुंच जाते हैं, इसी प्रकार से जो कर्म के फल हैं हर किसी के उसके पास पहुंच जाते हैं, उसका पीछा नहीं छोड़ते। जिस प्रकार से छाया व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती, उसके साथ साथ चलती है, इसी प्रकार कर्म फल भी हमारे साथ साथ चलते हैं। तो अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो मैं इसका दुख नहीं मानता। और हम इस प्रसंग में ये देख रहे हैं कि बलि महाराज ने इंद्र को ये कहने के बाद में और बलि महाराज को मारने के बाद में हम लोग क्या के देखा कि इंद्र ने जब नमुचि को गर्दन पे उसका वार नहीं हुआ तो उसने कहा कि इसको मैं त्याग दूंगा, तो भगवान की प्रेरणा से भगवान जो है अपने भक्त के लिए एक स्टेप आगे जाकर के कार्य करते हैं। तो भगवान की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई कि इस नमुचि का वध किसी भी सूखी या गीली वस्तु से नहीं हो सकता है, जो वस्तु ना सूखी है ना गीली है उसके द्वारा ही इस नमुचि का वध हो सकता है। तब इंद्र ने, क्योंकि कहाँ युद्ध हो रहा था समुद्र मंथन के बाद में, समुद्र पास में था, समुद्र का फेन पड़ा हुआ था, जो सूखा है ना गीला है, उसको लिया और उससे नमुचि का वध किया। और सारे असुर जो है एक तरीके से इंद्र और देवता के द्वारा समाप्ति के कगार पर आ गए। उस समय ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भेजा है कि आप जाइए और जाकर के देवताओं को समझाइए, क्योंकि सृष्टि के अंदर ममे वांछो जीव लोग के सब भगवान के अंश हैं और इनका समाप्ति ठीक नहीं है। तो नारद मुनि आकर के समझाते हैं, यही फर्क देखते हर स्टेप पर हमको शिक्षा मिलती है प्रभु जी माता जी। असुरों में क्या विकृति है या हम कहें तो उनका दोष क्या है कि वो अपनी बाजू बल पर विश्वास करते हैं। वो जो है जैसे हिरण्यकश्यप के प्रसंग में हम लोग देखते हैं बाजू बल पर विश्वास करते हैं, वो शरण लेना नहीं जानते। और जो व्यक्ति शरण लेना नहीं जानता उस प्रकार के समान है कि जैसे जब बड़ा आंधी तूफान आती है तो आंधी तूफान के अंदर बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो जड़ से उखड़ करके धराशायी हो जाते हैं, लेकिन वैसी आंधी तूफान में जो घास के तिनके झास के जो ब्लेड हैं वो झुक जाते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचता है। अगर हमने जीवन में सरेंडर लेना करना सीख लिया, देवताओं का एक बहुत बड़ा गुण है, जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है विपत्ति आती है तो तुरंत सरेंडर करने चले जाते हैं, जो दानव या असुर लोग नहीं करते। तो उस समय इंद्र ने उस आकाशवाणी को सुनकर के नमुचि का वध किया
और इंद्र को जब नारद मुनि जब आए और उनकी बात मान करके युद्ध को बंद कर दिया, और जितने भी असुर बचे हुए थे महाराज बलि का शरीर लेकर के वो पाताल में चले गए, और जाने के बाद में गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से फिर उनका जो है जीवन को प्राप्त कराया बलि महाराज को। ये बड़ा सुंदर प्रसंग आता है यहाँ पर प्रभु जी महादेव इस कथा प्रसंग में कि जब बलि महाराज को जीवन प्राप्त हो गया उस समय क्या स्थिति हुई है। बलि महाराज को शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से केवल स्पर्श किया और स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना भी आ गई, मन में स्मरण शक्ति भी आ गई। ये श्लोक है 11वें अध्याय का 8वें स्कंद के 11वें अध्याय का लास्ट अंतिम श्लोक है 48 वर्स। बलिश्चोष्णसा स्पृष्टः प्रत्यापनेन्द्र स्मृति पराजितोपि नाखिद्धल लोक तत्व विचक्षणः। पराजितोपि, हालांकि बलि महाराज पराजित हो चुके थे, बलि ये बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु जय पराजय उलटफेर होते ही रहते हैं। बलि महाराज देखिए कितने गुण हैं उनके अंदर, भगवान का जो ये 14वां श्लोक के दूसरे अध्याय का मात्रा स्पष्ट कहते हैं, उसके इसके एक साक्षात स्वरूप है बलि महाराज। क्या कह रहे हैं कि जीवन में जीवन मृत्यु जय पराजय उलटफेर होते ही रहते हैं, इससे कोई दुख की बात नहीं है, और इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का कोई खेद दुख नहीं हुआ। इंद्र को केवल उनके वज्र का फेल हो जाने से इतना दुख हुआ कि उन्होंने वज्र को त्यागने का निर्णय कर लिया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बलि महाराज ने अपना जीवन जाने के बाद भी, सब राज्य जाने के बाद भी, इतने उनके सेनापति जितने भी सेनापति उनके मरने के बाद भी बलि महाराज को कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने शरण ले ली। किसकी शरण ले ली उन्होंने? उन्होंने शरण ले ली भृगुवंशी जो गुरु हैं उनकी शरण ले ली। 12वें 15वें अध्याय में बड़ा सुंदर बताया गया है कि सर्वात्मना तान भजत भृगुन बलि ही, आज सब कुछ उन्होंने समर्पण कर दिया। किसको समर्पण कर दिया? अपने गुरु को। एक तरफ हम देखते हैं कि बलि महाराज को देखते हैं कि केवल स्पर्श मात्र से संजीवनी विद्या के द्वारा उनको जीवन की प्राप्ति हो गई, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि इंद्र जो है अपने सिंहासन पर बैठे हैं, नाच नृत्य चल रहा है, गुरुदेव आते हैं और इनको अनदेखा कर देते हैं। लेकिन वहीं बलि महाराज ने पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया, और जब आत्मसमर्पण कर दिया तो उस आत्मसमर्पण में कहा गया है कि किस तरीके से आत्मसमर्पण किया, कहते हैं प्रदीक्षिणी कृत्या कृत प्रमाणा सैवे विप्राजितोदनार्थ तई कल्पित विश्वत सजयो नत विप्राण प्रदीक्षिणी कृत्या कृत प्रणामा प्रहलाद मंत्र आमंत्र नमस्कारा। बलि महाराज के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्राह्मणों की कृपा से बलि महाराज को जब उनके बलि उन्होंने यज्ञ कराया शुक्राचार्य ने, और यज्ञ के द्वारा उनको एक सुंदर रथ की प्राप्ति हुई। रथ की प्राप्ति होने के बाद में उनको धनुष मिला, तुरी मिला, जो अक्षय था सोने के पत्र से चढ़ा हुआ धनुष मिला, और प्रहलाद मारने की अच्छी सुंदर माला दी जो उसके पूर्व कभी मुस्कुराते नहीं थे, कुमलाते नहीं थे। फिर उनका कहा गया है कि बलि महाराज ने सारे ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की, उनकी परिक्रमा की। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण भगवान के मुख है। उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करने के बाद में उन्होंने उनको पूर्ण समर्पण करने के बाद में बलि महाराज ने जो प्रभुवंशी जितने भी ब्राह्मण हैं उनका आशीर्वाद लेने के बाद में फिर जाकर के इंद्र के ऊपर जो उनको एक शंख मिला था, शंख बजा करके देवताओं की राजधानी जो अमरावती है वहां पर जाकर के उन्होंने प्रभु जी माता जी चढ़ाई की। आप ये देखिए कि संसार में
असुर और सुर जितनी भी संतति संसार में है, ये तो दो हो गए, लेकिन उसके अलावा जितनी भी 84 लाख हमारी योनियां हैं, वो काफी कुछ कश्यप मुनि द्वारा संसार में रची गई ब्रह्मा जी की प्रेरणा से। लेकिन इस प्रसंग में हम लोग आगे जाकर के देखेंगे, कश्यप मुनि दिति अदिति, वैसे 13 पत्नी हैं उनकी, मुख्य रूप से दिति और अदिति, अदिति के पास जब जाते हैं और अदिति उनसे प्रश्न करती है, हम लोग इस चर्चा को बाद में करेंगे, तो कश्यप मुनि को कहती हैं कि आपके सारे संसार के प्राणी आपके द्वारा उत्पन्न हैं, तो आप इन सब से अलग हो, इन सबके ऊपर संभाव रखते हो। जो व्यक्ति संभाव रखता है वही व्यक्ति वास्तविक सुख का अधिकारी है। भगवान कहते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, समोहम सर्वभूतेषु नामधेयस्तु न प्रिया, कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब जीवों में संभाव रखता हूं, नामे देशो अस्ति, ना मैं किससे द्वेष रखता हूं ना मैं कोई प्रिया, लेकिन जो मेरी भक्ति भाव से पूजा भक्ति करते हैं उनका मैं विशेष ध्यान रखता हूं। तो ये संभाव जो है, संभाव इतना महत्वपूर्ण है प्रभु जी माता जी वास्तविक सुख के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में जैसे ही हम लोग भेदभाव करने लगते हैं, देखिए हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम लोग जाएं कि आज हमने एक हमारे भक्तों के व्यवहार में ही हम लोग देखते हैं, एक भक्त भक्ति में बहुत ऊपर उठा है, एक भक्त भक्ति में भक्ति आरंभ कर रहा है, हम कंपैरिजन करने लगते हैं। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अंतर्मुखी होनी चाहिए दृष्टि। अंतर्मुखी मतलब हमारी दृष्टि दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दोष देखने की दृष्टि जब हमारी होती है तो हम लोग वास्तविक सुख से बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि दोष दृष्टि जिसकी होती है उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो हमेशा दूसरे में दुखी देखता, दोष ही देखता रहेगा। लेकिन अगर अंतर्दृष्टि हमारी है तो अंतर्दृष्टि का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने हृदय के अंदर झांक करके देखते हैं, दूसरे के दोष देखने की जगह अपना दोष देख जो हमारे अंदर उसको देखते हैं, उस दोष का निवारण करते हैं कि मेरी भक्ति में मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं कहां पर मेरे अंदर कमी है, मैंने समर्पण नहीं किया है, मैंने गुरु का जो सेवा नहीं की है, मैंने कुछ जो भी मेरे को आदेश मिले उनका पालन नहीं किया है, और क्या मेरे संग कारण हो सकते, उसका जब वो विवेचन करता है, उसका जब वो अध्ययन करता है, उसका जब वो मनन करता है, उसके बाद उन्हें भक्त जो श्रेष्ठ भक्त हैं जो बाकी से उनसे सलाह लेकर के अपना सुधार करता है तो वो आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इंद्र और बलि के जो प्रसंग चल रहा है अभी, इसी प्रसंग में जब अदिति माता कश्यप मुनि से कहती हैं, क्योंकि जब युद्ध हुआ अब इसके बाद में जो बलि महाराज ने शंख बजाया और बचाने के बाद में उनका जो कहा गया है कि उनका तेज इतना विराट था, इतना विशाल तेज था कि जैसे मानो वो दसों दिशाओं को पी जाएंगे, और उनका उस समय जो शक्ति थी इतनी थी कि इंद्र बृहस्पति से कहते हैं कि गुरुदेव ऐसा लगता है कि बलि के ऊपर विजय पाना अत्यंत कठिन, प्रयास भी नहीं किया, केवल कठिन मात्र मान करके और गुरुदेव से बोल करके गुरुदेव ने कहा, बलिपति ने कहा कि इस समय बलि और उनके जो सेनापति हैं उनको आप हैंडल नहीं कर सकते, उनको पार पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा है। तो अगर हमें जीवन में सुख चाहिए, वास्तविक सुख चाहिए, तो तीन चीजें हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है प्रभु की मात्र, वो क्या है? गुरु, साधु और शास्त्र। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है, साधु नहीं है और शास्त्र नहीं है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हमको वास्तविक सुख की प्राप्ति हो सकती, क्योंकि वास्तविक सुख जिसके अंदर हम सब संसार में पागल होकर के पीछे घूमते रहते हैं वो हमारे पास आ ही नहीं सकता। जो संसारी सुख है वो संसार में ही रहने वाला है, और संसार में रहने के साथ में सुख नहीं, हमको कष्ट देता है।
भगवत गीता में भगवान बताते हैं अर्जुन को कि अर्जुन यहाँ तक कि जो सुख सतोगुणी व्यक्तियों को मिलता है वो उनको सुख से बांध देता है। तो हमको सुख नहीं क्या चाहिए, वास्तविक सुख चाहिए। वास्तविक सुख कहां से मिलेगा, गुरु साधु और शास्त्र। जीवन में गुरु है, जीवन में सत्संग है, जीवन में भगवत कथा है, जीवन के अंदर हमारे भगवत प्रेम है, भगवान का नाम है हमारे जीवन में। जब ये सब चमार चीजें हमारे जीवन में होती हैं, तो निश्चित रूप से हमको बाहर देखने की जरूरत नहीं है, जो सुख है हमारे जीवन में अपने आप वास्तविक सुख आ जाता है। और बलि महाराज, हम लोग देखेंगे आगे जाकर के प्रसंग में कि किस प्रकार से भगवान के द्वारा बांधे जाने के बाद भी बलि महाराज कितने प्रसन्न है, उनको रंच मात्र भी हृदय के अंदर कष्ट नहीं है। और भगवान इस प्रसंग में सिखाएंगे हमको कि सुख की प्राप्ति किसको हो सकती है। और आज का जो हमारा आज की जो चर्चा हुई है उसके प्रभु जी माता जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने बड़े मैं समझता हूँ मन लगा करके सुना होगा। आपके जो सुझाव हैं, आपके जो कमेंट्स और आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप लोग कर सकते हैं। प्रज्वलित बताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। तो एक प्रश्न मैं पूछना चाहते हैं। जी प्रभु। प्रभु आवाज नहीं आ रही प्रश्न का। एक मिनट प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछ एक मिनट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। तो बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर सुन के, वास्तविक सुख क्या है। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि इंद्र के बारे में कि इंद्र इतना बड़ा महान व्यक्ति होके भी हमेशा मोहग्रस्त में होता है कि जैसा कि कोई तपस्या करता है तो उसका तपस्या भंग करने जाता है। तो ये सब जो करता है अपने सुख के लिए करता है कि अपना राज सिंहासन ना छिन जाए। तो उसको भी क्या पता नहीं है कि वास्तविक सुख स्वर्ग में भी नहीं है, और इतना बड़ा महान व्यक्ति होके भी वो मोहग्रस्त में क्यों हुआ, ये मेरा प्रश्न है। प्रभु आपका, और ये आपका नहीं बहुत लोगों का प्रश्न है कि देव समाज में, देखिए देव समाज में जो इंद्र की पोजीशन है, ये एक पोस्ट है बेसिकली। इंद्र की जो पोजीशन है 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में जो प्राप्त होती है, जो चीज हमको बड़े प्रयास के साथ मिलती है और उसकी हम चाह करते हैं, पहली चीज तो ये है कि जो व्यक्ति इंद्र बना उसने क्या चाहा, उसने चाहा कि इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाए। इसका मतलब, और वो पदवी कहाँ आती है, वो आध्यात्मिक लोक में तो है नहीं, वो तो भौतिक संसार में है, और भौतिक संसार में भी सर्वोच्च स्थान नहीं है। सर्वोच्च स्थान कहाँ है, सर्वोच्च स्थान तो ब्रह्मा जी का भौतिक संसार का। तो वो भौतिक संसार में आती है और वो पद प्राप्त करना और करने के बाद में उसके साथ मोह हो जाना, हमको दो तरीके से ले सकते हैं प्रभु जी माता जी। हम प्रभु कैसे ले सकते हैं कि देखिए जिस प्रकार से अर्जुन को मोह हुआ, अर्जुन को मोह हुआ और भगवान ने अर्जुन के बारे में क्या कहा 4:3 में, भक्तो सैवाय मया त्यद्धा योगा पोक्ता पुरातना भक्तो असीमे सखा चेति रेशत एदुत्तमम।
कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और सखा हो। तो भगवान ने डिक्लेयर किया कि अर्जुन कौन है, भक्त भी है और सखा भी है। तो जो भक्त है सखा है भगवान का, उसको मोह हो सकता है क्या प्रभु जी? वास्तव में मोह नहीं हो सकता। ये जैसे मीन में मैंने बीच में कथा में कहा था कि जितने भी पात्र हैं, रामायण के हों, महाभारत के हों, हमारे भागवत के हों, किसी भी पुराण के जितने भी पात्र हैं, वो एक रोल प्ले करते हैं हमको शिक्षा देने के लिए। कि जब इंद्र जैसी पोजीशन पर पहुंचकर भी ये स्थिति हो सकती है, तो हमारी स्थिति तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम तो केवल एक साइकिल, स्कूटर या कार वाले हो सकते हैं, ज्यादा किसी के पास हेलीकॉप्टर हो सकता है, किसी के प्राइवेट जेट हो सकता है। लेकिन उसके होने के बाद जब वहां ये स्थिति हो सकती है, तो इसका मतलब इसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। एक तरीके से अगर हम पॉजिटिव रूप में देखें तो ये इंद्र की हमारे ऊपर कृपा है, ये समझाना हमको समझना चाहिए कि इतना सब मिलके भी व्यक्ति की क्या स्थिति हो सकती है। इसलिए भगवान का ध्यान करके भगवान की भक्ति में लगना हमारा काम है। एक तो ये समझना हो गया। दूसरा ये हो गया, जैसे दुर्वासा मुनि का प्रसंग आता है। दुर्वासा मुनि के प्रसंग में हम लोग देखते हैं अम्बरीश महाराज के प्रसंग में कि दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को क्रोध किया और कृत्या पैदा करके उनको भस्म करने की कोशिश की। तो हम पूरी कथा जान गए और कथा के बारे में क्या सिद्ध हुआ कि भक्त भगवान से भी आगे बढ़कर, भक्त भगवान कितना प्रेम करते अपने भक्त को। तो अम्बरीश महाराज का जो यश था, उनकी जो कथा थी, वो किस रूप में फैली आप देखिए। अगर अम्बरीश दुर्वासा मुनि क्रोध नहीं करते तो कथा हमारे सामने नहीं आती। हमको इस प्रकार से लेना चाहिए कि इंद्र ने भी जगह जगह जहां पर, जैसे शिव जी की तपस्या के लिए पार्वती के लिए कामदेव को भेजा, बृहस्पति के पास सॉरी विश्वामित्र के पास उर्वशी को, मेनका को भेजा। तो ये सारे जो कार्य हैं, ये भगवान की कथा प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए है। हमें कभी भी शास्त्रों में चीजें उनको नेगेटिव रूप में कभी नहीं देखना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों में है हर चीज पॉजिटिव है, तो उसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है और ना ही कोई कंट्राडिक्शन है कि भाई देवता ऐसा करते हुए। हमको हमें इस तरीके से अगर हम सोचेंगे देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि इंद्र ने जो ये सारे जो भी कथा देखते हैं उसके अंदर बलि महाराज का जो इतना बड़ा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर इंद्र वैसा नहीं करते तो भगवान बलि महाराज का ऐसे ऐसे भक्त कहां से कथा आती। अभी भक्त प्रहलाद का हम ले देखिए, अनेक प्रसंग ले सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है प्रभु। कि भक्त प्रहलाद कयादु को बलि महाराज इंद्र अगर उठा करके लेकर के नहीं जाते और तो कैसे कयादु जो है नारद मुनि को मिलती और प्रहलाद महाराज को जो है भगवत प्रेम होता, भगवत ज्ञान मिलता उनको। तो इसलिए इन सब चीजों में हमको कोई शंका नहीं करनी। देखिए भक्त भक्त हमारे पुराणों से संबंधित, हमारे भक्ति से संबंधित जितने भी विषय हैं, पहली चीज तो संशय आत्मा विनश्यति, हमको संशय नहीं करना। और संशय नहीं करना है इसका मतलब हमको पॉजिटिव सोच करके उससे हमको शिक्षा लेनी है। तो इंद्र के जितने भी ऐसी चीजें हैं उनसे हमको कोई ना कोई शिक्षा मिलती है अपने जीवन में। हमारे जीवन में भगवत गीता से हमको सीख मिलती है कि हमको जीवन कैसे जीना है। श्रीमद् भागवत हमको सिखाती है कि हमको शरीर कैसे छोड़ना है। तो ये सारी सीख इन सारे प्रसंगों से हमको वो सीख मिलती है। आई थिंक प्रभु जी आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने प्रयास किया है। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। क्या ही गोपी मन हरी हरी बोल।